हमारे एडुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसकी मदद से जो जो चीजें सीखते हैं उसमें से 10% भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम में नहीं आता है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में चलने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल एडुकेशन हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे आसपास की लोगों से कलेक्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में से नहीं है तो वो लोग अनकॉन्शियसली हम लोगों को कैसे अमीर बना जा सकता है वो सिखाने की जगह कैसे गरीब बना जाता है वो सिखाते रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी बचपन से यही सीखते आते हैं। एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से पूछे मुझे पढ़ाई क्यों करना चाहिए, ज़्यादातर में उसे जवाब मिलता है पढ़ाई करके तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी पाना है जिससे कि तुम बहुत सारे पैसे कमा सको। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड, मतलब उनके अपने पिता जिन्होंने पीएचडी किया था लेकिन फिर भी हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, वो भी यही कहा करते थे। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड, मतलब उनके एक फ्रेंड के डैड जो कि सिर्फ 8th ग्रेड पास थे लेकिन हुआई के सबसे अमीर आदमी थे, वो कुछ और ही कहते थे। वो बोलते थे तुमको पढ़ाई करना है ताकि तुम बड़े होकर खुद की अपनी एक कंपनी खोल सको और बाकी लोगों को अच्छे जॉब ऑफर कर सको। पुअर डैड बोलते थे तुम्हें पैसे कमाने के लिए काम करना होगा, जहाँ पर रिच डैड बोलते थे तुमको ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कोई रिच डैड्स नहीं मिलते हैं इसीलिए हम लोग पुअर डैड से फाइनेंशियल एडुकेशन कलेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम में से ज़्यादातर लोग पुअर डैड्स की तरह ही गरीबी में ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अब इंटरनेट कनेक्शन इतना एडवांस होने की वजह से हमें रिच डैड्स को ढूंढने में कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी, नेपोलियन हिल, संदीप महेश्वरी, ऐसे बहुत सारे रिच डैड्स हैं जिनसे अब हम अगर चाहे तो इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, सही आदमी से सही चीज़ सीखना। नौकरी मिलने के बाद ज़्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बाइक खरीदते हैं या कुछ ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो खरीदने का बहुत दिनों से उनका डिज़ायर था। अब मैं दो टर्म्स को डिफाइन करने वाला हूँ, एक है एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटीज़। एसेट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे पॉकेट में पैसा ले आता है, जैसे कि किराए पे दिया हुआ कोई घर या फिर कोई बिजनेस या कोई भी चीज़ जिससे हमें कुछ रेगुलर इनकम होता है। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज़, जो हमारे पॉकेट से पैसे को बाहर ले जाता है, जैसे कि बाइक, हफ्ते में 4 दिन पेट्रोल भरना पड़ता है, या कोई भी एक्सपेंसिव मोबाइल जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ साल या कुछ महीने बाद जो पूरी तरह से ख़राब होने वाली है। इन सब चीज़ों को लायबिलिटीज़ कहते हैं और यही सब चीज़ें अमीर बनने में रुकावट है। तो क्या हमें कोई भी बाइक या कोई भी एक्सपेंसिव मोबाइल यूज़ करना नहीं चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे इनकम की मैक्सिमम परसेंटेज एसेट्स में इन्वेस्ट हो और मिनिमम परसेंटेज लायबिलिटीज़ के पीछे खर्च हो। मतलब हमें इनकम की एक फिक्स्ड मैक्सिमम अमाउंट पहले ही साइड करके रखना होगा एसेट्स के पीछे इन्वेस्ट करने के लिए, फिर सब जरूरत की खर्च करने के बाद इनकम की मिनिमम परसेंटेज लायबिलिटीज़ के पीछे खर्च करना है, तभी जाके धीरे धीरे अमीर बना जा सकता है। और नहीं तो जितनी भी इनकम आए अगर उसके साथ साथ लायबिलिटीज़ भी बढ़ते रहे तो हालात हमेशा एक जैसा ही रहेगा। स्मार्ट आइडिया 2, मैक्सिमम एसेट्स मिनिमम लायबिलिटीज़। इनकम करने की प्रोसेस नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव इनकम मतलब आप जब तक काम करोगे सिर्फ उसी टाइम में ही आपका कुछ इनकम होगा, मतलब जैसे कि कोई दुकान, जब तक दुकान खुला रहेगा और आप दुकान में बैठ के चीज़ें बेचोगे तब तक ही आपका इनकम हो रहा होगा। लेकिन जब आपका दुकान बंद होगा और आप घर में सो रहे होगे तब आपका इनकम भी बंद होगा। दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, मतलब जहाँ पर आप जब कोई काम नहीं भी कर रहे हो तभी भी ऑल द टाइम आपका इनकम हो रहा होगा, जैसे कि मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल। मैं जब घर में सो रहा हूँ तब भी मेरे चैनल पे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उसी से ऑल टाइम मुझे इनकम हो रहा है। अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हो तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, जो पुअर डैड्स करते हैं। मगर आप अगर पैसिव इनकम के लिए काम करो तो तब पैसा आपके लिए काम करेगी, जो रिच डैड्स करते हैं। क्योंकि अगर आपका सिर्फ तभी इनकम होता है जब आप एक्टिवली काम करते हो तो फिर इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में आपके रिच होने के चांसेस बहुत ही कम है। स्मार्ट आइडिया 3, पैसिव इनकम्स में इन्वेस्ट करना।